नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक समाचार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, फेसबुक पर पिछला जो लाइव सेशन हुआ था उसमें प्रमुख सचिव हैं रश्मि अरुण समी, उन्होंने कहा था कि सभी शिक्षक कोरोना योद्धा हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चल रही है, उसमें कई शिक्षक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक दो की मृत्यु भी हो गई है। अब उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको कोरोना योद्धा के तहत 50 लाख उनके परिवार को मिलना चाहिए और एक अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। अब जो प्रमुख सचिव हैं उनको अपनी करनी पर जो है करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सभी को जो है कोरोना योद्धा का लाभ उनके परिवार को मिल सके। वीडियो को लाइक करें। तो चलिए विस्तार से पूरी खबर जान लेते हैं कि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताई समस्या। लोक शिक्षण की तरह मैदानी शिक्षकों की भी सुरक्षा करें अफसर। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी संबंधी आदेश को मुद्दा बनाते हुए शिक्षकों ने अपनी समुचित सुरक्षा की मांग की है। टीचरों का कहना है कि ऐसे संकट काल में हर घर पढ़ाने जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। शिक्षकों के अनुसार भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मानवीय जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ 55 के बाद की उम्र के हर नागरिक को कोरोना के आसन्न संकट के से मुक्त रखना है, अर्थात आवश्यक परिस्थितियों में ही ये उम्र के लोग सार्वजनिक स्थलों पर जा सकेंगे। इसके उलट ही हर कार्य करने को स्कूली शिक्षा विभाग ने अपने प्रोग्राम चालू कर लिया है। शिक्षकों का कहना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम पर उन्हें व छात्रों को कोरोना के बीच मुसीबत में डाल दिया गया है। कोरोना संकट के लिए मोबाइल की रिंगटोन के पूर्व के संदेश की बातों को जानते समझते भी शिक्षक पहले गाँव के हर व्यक्ति को टोह लेकर दबते सकुचाते पहुंचकर योद्धा बनने की आस में समर भूमि में पहुंच रहा है। वहीं गांव का अभिभावक मोबाइल पर ही शिक्षक के क्षेत्रों की व उनके आसपास की कोरोना हालात को टो लेता है। शिक्षकों के अनुसार अध्यापक व अध्येता दोनों की जान संकट के दौर से गुजर रही है। दूसरी ओर मोबाइल के डिजी लैब ग्रुप में धड़ल्ले से वीडियो शेयर हो रहे हैं। अफसर व तंत्र के लोग कोरोना काल में किस सफाई के साथ शिक्षा का सफरनामा अपने अध्येता को दे रहे हैं, यह पारखी नज़रों से चूकना बिल्कुल असंभव नहीं लगता। शिक्षकों को तत्काल मिले राहत। वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी का कहना है कि कोरोना के संक्रमण से हर विभाग के लोग घबरा रहे हैं। स्कूली शिक्षा के लोक शिक्षण कार्यालय में कोरोना के कारण अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जब शिक्षा के वरिष्ठ कार्यालय में यह व्यवस्था हुई तो फिर आखिर शिक्षकों को संकट में क्यों डाला जा रहा है। वर्तमान समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को हमारा घर हमारा विद्यालय योजना से मुक्त करवाना चाहिए। अगर कालीन लोगों को कोरोना का वह है तो शिक्षक भी इंसान है, उसका भी परिवार है। सोनी के अनुसार सरकार से आग्रह किया गया है कि ऐसे संकट काल में शिक्षकों को भी अनावश्यक प्रयोगों से दूर रखा जाना चाहिए। और इसी के चलते कई शिक्षक जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनमें से एक दो की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया है, जबकि प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने बोला था। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।